नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रू टेक गुरु में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू हैक ए WPA और WPA2 सिक्योर्ड वाईफाई इन काली लिनक्स। यूं तो काली लिनक्स में वाईफाई हैक करने के कई तरीके हैं, पर जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ वो बाकियों से बेहतर और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, इसे किसी गलत या इलीगल काम में यूज़ ना करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेवार होंगे। इस वीडियो में हम वाईफाई हैक करेंगे फ्लक्शन टूल की हेल्प से, बट अनफॉर्चुनेटली कल लिनक्स के पुराने वर्जन में फ्लक्शन टूल इंस्टॉल नहीं है, तो इसलिए हैकिंग प्रोसेस शुरू करने से पहले हमें इसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। ऐसा करने के लिए सबसे पहले एक ब्राउज़र ओपन करें और गिट क्लोन फ्लक्शन सर्च करें। अब इस पहले वाले लिंक या उस लिंक पे क्लिक करें जिसका URL github.com/something हो। अब क्लोन और डाउनलोड पर क्लिक करें और इस लिंक को कॉपी कर लें। इस विंडो को मिनिमाइज करें और एक टर्मिनल विंडो ओपन करें। गिट क्लोन टाइप करने के बाद कॉपी किए हुए लिंक को पेस्ट करके एंटर प्रेस करें। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्लक्शन टूल की फाइल्स डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी हैं। वेट करें जब तक ये अपनी रिक्वायर्ड फाइल्स को डाउनलोड करता है। फ्लक्शन टूल की सारी फाइल्स डाउनलोड हो चुकी हैं और अब हम इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक कमांड टाइप कीजिए CD फ्लक्शन और एंटर प्रेस करें। अब ls टाइप करें। ये सारी फाइल्स वो फाइल्स हैं जो कि फ्लक्शन के फोल्डर में प्रेजेंट है, और हमें ये fluxion.sh वाली फाइल रन करनी है। ऐसा करने के लिए कमांड टाइप करें /fluxion.sh। अभी आपने देखा होगा कि इसने कुछ टूल्स की इंस्टॉलेशन चेक की, और अगर आपके सिस्टम में ये टूल्स अवेलेबल ना हुए तो डोंट वरी, ये ऑटोमेटिकली उन टूल्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेगा। तो आइए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए। अब वन टाइप करके ऑल चैनल्स वाली ऑप्शन सेलेक्ट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं एक नई विंडो ओपन हो चुकी है जिसमें आप अपने आसपास के सभी अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क्स और उनके साथ कनेक्टेड यूजर्स देख सकते हैं। टारगेट नेटवर्क अपीयर होने के बाद Ctrl+C प्रेस करें और इस विंडो को क्लोज कर दें। यहाँ प्रेजेंट ये स्टार इंडिकेट करता है कि इस नेटवर्क पे कुछ यूजर एक्टिव, या आप कह सकते हैं किस वाईफाई को कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं और इसे हैक किया जा सकता है। याद रखें दोस्तों, किसी भी वाईफाई को हैक करने के लिए किसी न किसी यूज़र का उस नेटवर्क को यूज़ करते होना ज़रूरी है। अपना टारगेट नेटवर्क सिलेक्ट करें। फेक एक्सेस पॉइंट वाली फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करें। हमें एक हैंडशेक फाइल लेनी होती है जो कि सिंपली एक इनक्रिप्टेड पैकेट, या आप कह सकते हैं इनक्रिप्टेड फाइल होती है जिसमें उस नेटवर्क का पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। हैंडशेक फाइल लेने के लिए एंटर प्रेस करें। अब पेड या एयरक्रैक NG दोनों में से कोई भी टूल सेलेक्ट करें। अब डी ऑथेंटिकेट ऑल वाली फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें और एंटर प्रेस करें। जैसा कि आप देख सकते हैं दो नई विंडोज ओपन हो चुकी हैं जिसमें से ऊपर वाली विंडो नंबर ऑफ कनेक्टेड यूज़र
शो कर रही है, और ये नीचे वाली विंडो उन कनेक्टेड यूज़र को डिसकनेक्ट कर रही है। 10-15 सेकेंड्स के बाद इस नीचे वाली विंडो को क्लोज कर दें ताकि हम यूज़र द्वारा राउटर को भेजे जाने वाली इनक्रिप्टेड हैंडशेक फाइल को कॉपी कर लें। ये देखिए, हैंडशेक फाइल ट्रैप हो चुकी है। नाउ प्रेस वन, दोबारा फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें, सेलेक्ट वेब इंटरफेस। अब आप एक लिस्ट देख सकते हैं जिसमें अलग अलग तरह के लॉगिन पेज अवेलेबल हैं जिसे हम बाद में यूज़र को दिखाएंगे। कोई भी सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करें। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी न्यू विंडोज़ ओपन हो चुकी हैं, और होगा ये कि सारे यूज़र डिसकनेक्ट हो जाएंगे और एक फेक हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाएगा, उसी नेम वाला जो कि टारगेट नेटवर्क का था। इन माई केस दैट इज़ ट्रू टेक गुरु। जैसा कि आप इस फ़ोन में देख सकते हैं कि यूज़र वाईफाई से डिसकनेक्ट हो चुका है, और वो जितनी मर्जी ट्राई कर ले उस नेटवर्क से दोबारा कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और फिर जब वो हमारे बनाए इस सेम नेम वाले ओपन फेक एक्सेस पॉइंट पर कनेक्ट होगा, तो इसे साइन इन टू वाईफाई नेटवर्क वाली ऑप्शन शो होगी, और उस ऑप्शन में यूज़र से किसी ना किसी बहाने से वाईफाई का पासवर्ड मांगा जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस केस में ये फर्मवेयर अपग्रेड दिखा रहा है। यूज़र के थ्रू सही पासवर्ड भरते ही हमें अपर राइट विंडो में पासवर्ड मिल जाएगा, और उसका नेटवर्क नॉर्मली वर्क करना स्टार्ट कर देगा और उसे कुछ पता भी नहीं लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, कनेक्शन नॉर्मल हो चुका है और हमें पासवर्ड भी मिल चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे।